अस्सलाम वालेकुम टू क्लास बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू डू द वर्कशीट ऑफ यूनिट नंबर 3 एनिमल्स एंड दिस वर्कशीट विल बी अवेलेबल इन योर समर पैक 2। क्या आपको आपके समर पैक 2 में मिलेगी? आपने अपने मामा के पास या अपने आपी के पास, जिनके पास भी आप पढ़ते हैं, उनके पास बैठ कर बहुत नीट एंड क्लीन और प्यारी प्यारी राइटिंग में इसे सॉल्व करना है, ठीक है? सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स अंडर द करेक्ट हेडिंग्स। यहाँ पर आपको एक ब्लॉक दिया गया है और ब्लॉक के अंदर ज़्यादा सारे एनिमल्स का नाम लिखा गया है और नीचे उनकी क्लासिफिकेशन की गई है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स में। आपने इन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज करने के बाद नीचे यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है? तो पहले आप अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे कि आप यहाँ पर जो आपको लगता है कि ओमनिवोर है उसके ऊपर आप ओ लिख देंगे, सॉरी जो आपको लगता है कि हर्बीवोर है उस पर आप एच लिख देंगे और जो आपको लगता है कि कार्निवोर है उसके साथ आप सी मेंशन कर देंगे, ठीक है? सो द ह्यूमंस आर ओमनिवोर्स बिकॉज दे ईट बोथ मीट एंड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी खाते हैं वो। तो ये ह्यूमंस क्या हैं? ओमनिवोर्स हैं। काओ, बेटा काओ क्या है? हर्बीवोर, क्योंकि ये सिर्फ ग्रास खाती है। ज़ेब्रा इज़ ऑल्सो हर्बीवोर। मंकी इज़ ओमनिवोर, क्योंकि मंकी मीट भी खाता है। और टाइगर इज़ अ कार्निवोर, क्योंकि टाइगर इज़ अ वाइल्ड एनिमल और आपको पता है कि वो दूसरे जानवरों को भी खाता है और मीट ही खाता है, सिर्फ वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खाता। डैट्स वाई वी विल राइट सी ऑन इट। क्रो इज़ ओमनिवोर, इसके ऊपर भी आप ओ मेंशन करेंगे। बियर इज़ ऑल्सो ओमनिवोर। हैन इज़ ऑल्सो ओमनिवोर। फ्रॉग इज़ द कार्निवोर, क्योंकि फ्रॉग सिर्फ खाता है, इंसेक्ट्स खाता है छोटे छोटे, तो वो मीट में ही आता है। वुल्फ, वुल्फ इज़ द कार्निवोर, जो भेड़िया होता है। गोट इज़ द हर्बीवोर एंड कैट इज़ कार्निवोर। आपने कभी भी कैट को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हुए नहीं। तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के बॉक्सेस हैं, आपने अब इनके अंदर इसे मेंशन करना है। एंड हेयर इज़ द सॉल्व वर्कशीट। जैसे कि हर्बीवोर्स में हमने मेंशन किया काओ, ज़ेब्रा, गोट। कार्निवोर्स में हमने मेंशन किया टाइगर, कैट, वुल्फ, फ्रॉग। एंड ओमनिवोर्स में हमने मेंशन किया ह्यूमंस, मंकी, क्रो, हेन एंड बियर। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। सर्कल द एनिमल दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ग्रुप अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ ईटिंग। अब हमने उन एनिमल्स को इन सर्कल करना है जो दूसरों से डिफरेंट है। जैसे कि काओ, काओ के ऊपर आप एच मेंशन करोगे। जिराफ, इसके ऊपर भी आप एच मेंशन करोगे, लेकिन हेन इज़ द ओमनिवोर। हैन जिराफ और काओ से डिफरेंट है ना, क्योंकि हैन इज ओमनिवोर, तो हम इसके ऊपर इन सर्कल कर देंगे, ठीक है बेटा? नाउ द सेकेंड ग्रुप इज रैट, चूहा, जो कि ओमनिवोर है यानी फ्रूट भी खाता है। पैरेट एंड ज़ेब्रा, पैरेट और ज़ेब्रा ये दोनों क्या हैं बेटा? हर्बीवोर्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ग्रुप कौन सा हुआ? रैट का, तो हम रैट को इन सर्कल कर देंगे, यानी कि आप रैट का एक छोटा सा सर्कल बना दोगे। नाउ लुक एट द थर्ड ग्रुप, फॉक्स, वुल्फ। फॉक्स भी कार्निवोर है और वुल्फ भी कार्निवोर है, लेकिन जो बियर है, बियर इज द ओमनिवोर, तो हम बियर को इन सर्कल कर देंगे। फोर्थ ग्रुप, टाइगर, कैट एंड एलिफेंट। आपको पता है कि एलिफेंट ग्रास खाता है, तो एलिफेंट कैट और टाइगर से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये दोनों कार्निवोर्स हैं, तो हम इसके गिट भी दायरा लगा देंगे, ठीक है बेटा? दिस इज़ ऑल अबाउट योर वर्कशीट। आपने बहुत प्यारी प्यारी राइटिंग में इसे सॉल्व करना है। मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, ये आपको आपके समर पैक 2